तो क्या है गाइस, स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार सिमुलेटर। यार आपको पिछले वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने एक बुगाटी ले ली है, बुगाटी शिरोन। आपको याद होगा जब हमने पहली बार गेम स्टार्ट की थी तो हमें दिखी थी, एक्चुअली हमारा मैनेजर इसे लेकर आया था, लेकिन तब उतने पैसे नहीं थे अपने पास, लेकिन अब हैं। तब थे तब ले लिए और अब भी हैं, और आप देख सकते हो तीन गाड़ियाँ और तीनों के प्राइजेस। खैर इसमें से मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि मैं मैक्लारेन रखूँ या बुगाटी, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके बताया, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि आपको मेरे ख्याल से बुगाटी रख लेनी चाहिए। तो मेरे वही करने वाला हूँ, मैं मैक्लारेन को बेच दूँगा। ओके, मैक्लारेन को सेल पर लगा दिए मैंने, और अपने पास टेस्ला एक्स है, ऑफ कोर्स इसे ही बेचेंगे। टेस्ला एक्स वैसे कहूँगा तो बहुत ही रेयर कार तो नहीं, लेकिन कम दिखती है बहुत इसमें, और 2020 का मॉडल है ऑफ कोर्स। खैर यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे, ओके तो कस्टमर आ भी गए। ओ भाई मैक्लारेन को देखने आया भाई पहला बंदा, और दूसरा टेस्ला को। कोई बात नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। ये 22,000 दे रहे हैं, कितने करूँ मैं, मेरे ख्याल से $3,00,000 ठीक है, ये परफेक्ट अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 3,66,000 नहीं देगा ये। दो भाई उस पर, दो इस पर 3,000, क्या बात है। इस ये 22,00,000 दे रहा है, 22,000 दे रहे हैं, ये 2,40,000। ओके बढ़िया है, लेकिन मैं $3,00,000 सोच रहा हूँ जो कि निकलेगा। ऑफ कोर्स इसका प्राइस तो यही निकलेगा, मैं 7,00,000 देख रहा हूँ नहीं देगा ऑफ कोर्स ये अमाउंट, तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। देखो एटलीस्ट $3,00,000 तो बनते हैं किस गाड़ी के, ये रे वक्त में से लग ही रहा था, देख रहे हो। खैर इस पर देखते कितना दे रहे हैं, ये उतना भी नहीं, ठीक ठाक, मैं एटलीस्ट 3 तो लूँगा, क्या बात है। 30 में भी किए वो देख सकते हो अमाउंट, सिर्फ दो गाड़ी को बेचने पे अपना अमाउंट कहाँ चला गया है। और यहाँ पे अपनी बुगाटी शिरोन, ओके इसे लेके चलते हैं पहले। इसकी अभी मैंने भी इसको कोई मतलब ना पेंट करा है मैंने, ना इसका रिपेयर कराया ना, ओ भाई आराम से क्या टेस्ला लेके जा रहा है, गुड्स इससे तेज तो आदमी चलेंगे यार। खैर अपना मैनेजर था वो जो अपनी टेस्ला लेकर लाया, क्या यहाँ पे मुझे अभी इसे पेंट कराना है और इसे रिपेयर कराना है। फ्रैंकलिन गाने वाने सुन रहे भाई, बहुत सही, ये स्टेशन में रहता है, ठीक है। प्राइस देखते हैं, ओ भाई साहब 3,00,000 मतलब $3,69,000 का रिपेयर बैठा है भाई, इतने में कितनी गाड़ी आ जाएगी। टेस्ला ऐसी आई थिंक 3 या 4 गाड़ी आ जाएंगी जितने का रिपेयर कराएं। कह रही है रेड कलर ठीक लग रहा है तो रेड कलर करा लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं भाई। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, जितनी महंगी गाड़ी होगी उतना रिपेयर भी ऑफ कोर्स उतना ही महंगा होगा, अगर गाड़ी डैमेज होती है तो। इसलिए गाड़ी डैमेज ना हो ये आपको देखना होगा। कह रही यहाँ पे अपनी गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ब्लैक एंड वाइट में और ब्लैक एंड रेड में, और ये अभी बेच रही टेस्ला और फिर लेके आ गए टेस्ला। खैर वो अपनी ब्लैक में थी, वाइट में है, एटलीस्ट मैं अभी तो नहीं बेचना चाहूँगा क्योंकि अभी बेची थी यार, इतना प्रॉफिट नहीं निकलेगा इससे वैसे, क्योंकि अभी अपने कुछ, ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी, लगभग 100 सुपर कार आप कह सकते हो, और वो प्रॉफिट देगी बहुत ज़्यादा। तो अभी सोते हैं, देखेंगे अगले दिन। और यहाँ पे हो चुका है अगला दिन, सो के उठ चुके हैं भाई। यहाँ पे काफ़ी काम करवाना है, मैं भूल गया था शॉप को भी तो रिपेयर कराना है, अपनी शॉप को भी रिपेयर कराना है, क्योंकि इसका एरिया भी थोड़ा बड़ा करना है। मैं उस टाइम सोच रहा था, लेकिन अपने पास उतना अमाउंट था नहीं, सिर्फ मैं एरिया बड़ा कर सकता था, लेकिन अब क्या सोच रहा हूँ कि सभी एक साथ कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले चलते हैं कार मार्केट, क्योंकि कार मार्केट में अपने को मिलेगी बहुत बढ़िया कार। नेबरहुड में उतनी कुछ खास कारें आई नहीं हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादातर कार मार्केट से जाता हूँ। और ऑक्शन में भी मैं गया था एक दो बार, लेकिन वहाँ पे भी कोई ढंग की कार नहीं दिखी, और अमाउंट तो भाई इतने जा रहे हैं कि रिकवर कर भी पाएंगे नहीं। ओके यहाँ पे आज लगता है कुछ ठीक गाड़ियाँ आई हैं,
ओ भाई साहब ये कौन सी है, देखते हैं। ओ भाई बहुत बढ़िया गाड़ी तो ठीक लग रही है ऐसे। ये एवेंसिडोर है, ओके F54 है तो 49 450 लेते हैं। ओके ओ भाई लो बेच रही, बार्गेनिंग तो भाई अब कार मार्केट है बहुत आराम से कर लेते हैं। और ज़्यादा गाड़ी आई नहीं है, ये क्या ट्रेंड चल रहा है क्या कोई है? खैर यहाँ पे अपने को ये मर्सिडीज़ आई थिंक मर्सिडीज़ 580S, ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है और इसका रेट भी ऑफ कोर्स इतना तो जाएगी बहुत बढ़िया है। तो इतना रेट अगर जाता है इसका गाड़ी का तो मैं डबल निकाल सकता हूँ इसका, तो ये सही है। अगर सुपर कार के बाद अगर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करना हो तो मर्सिडीज़ या ऑडी लूँगा, क्योंकि इन दो गाड़ियों का जो प्राइस है वो काफ़ी काफ़ी मतलब गुडविल इसकी कंपनी की बहुत हाई है, डिमांड काफ़ी है मार्केट में, तो हम इसकी प्राइस काफ़ी ठीक अमाउंट पे बेच सकते हैं। क्या मैं इसमें लेके चलता हूँ, पहले रिपेयर कराने मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें भी, क्योंकि मैं अब से क्या कर रहा था कि अपनी सिर्फ जो पर्सनल कार हैं उन्हीं में पेंट करा रहा था, रिपेयर करा रहा था। रिपेयर तो मैं सभी कार को करा रहा हूँ, पेंट मैं सिर्फ अपनी पर्सनल कार को करा रहा था। तो इस बार क्या करूँगा, अपनी जितनी गाड़ी लेकर आएंगे उन सबको पेंट करा देंगे अपन, भले अपन रिपेयर ना करें लेकिन पेंट करा देंगे ताकि लुक देखने में ठीक लगे। और क्रोम क्रोम काफ़ी सही लगेगा वैसे। खैर मुझे कमेंट में बताना जो मैं सेल करने वाला हूँ गाड़ियाँ उन्हें भी मतलब पेंट कराऊँ। खैर यहाँ पे शॉप में तो आज की काफ़ी फिसलती है भाई, ये सुपर कार जैसे आप देखोगे ना बहुत फिसलती है कुछ। खैर यहाँ पे अपनी बुगाटी शिरोन तो उतनी नहीं स्लिप करती। और ये रही इसका डैमेज देख लो भाई। खैर यहाँ पे लेके चलते हैं एस क्लास, जैसे कुछ वाइब आती है इससे, लेकिन नहीं एस क्लास नहीं है। और ये देख रहे हो बिल्कुल स्मूथ चलती है गाड़ी, उतनी भी नहीं फिसलती जितनी की वो फिसल रही थी। तो मर्सिडीज़ की तो भाई अपनी अलग ही है। और यहाँ पे फ्रैंकलिन पता नहीं क्या एक ही गाने सुनता रहता है क्या, वो 34,000 का रिपेयर चला गया भाई। ओके इंटीरियर भी काफ़ी सही है इसका, देख रहे हो गजब गजब मतलब। खैर यहाँ पे लेके चलते हैं इसे दोबारा अपनी शॉप में, इसे मैं ले इसमें एटलीस्ट काफ़ी सही अमाउंट पर बेचूँगा। कोशिश करूँगा कि मतलब इससे जितना अमाउंट में रिपेयर मतलब निकाल सकता हूँ उससे ज़्यादा निकालूँ। और अरे भाई ये तो मतलब कार मार्केट से लेकर आ गया ये गाड़ी, देखो ये पीछे दिखी थी। अब ये गाड़ी इतनी ठीक लगी नहीं मुझे, क्योंकि अभी तो है मेरे पास, इसका अमाउंट देखता हूँ अगर बढ़िया हुई तो ना उतना नहीं दे पाएगी। ओके तो यहाँ पे इन दोनों को भी सेल कर दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने को लेके चलना चाहिए एक बार दोबारा से, पहले मैं इसे अंदर खड़ी कर देता हूँ ठीक है। मुझे इसे रिपेयर भी कराना है, अब रिपेयर क्या कराना है अपनी शॉप जिसकी मैंने ही बताया था आपको। अभी इसका जो एरिया है मैं बड़ा कर सकता हूँ और थोड़ी अंदर मेरे पे थोड़ी सी इंटीरियर डेकोरेशन भी कर सकता हूँ। तो शॉप को एक बार थोड़ी ठीक ठाक कर देते हैं ताकि देखने में ठीक लगे। और अभी सिर्फ एक गाड़ी खड़ी है, मैं अब क्या करूँगा पूरी कार का मतलब कार से भर दूँगा पूरा, तो देखने में शायद थोड़ा ठीक लगे, लेकिन कार मार्केट में उतनी ठीक कारें आ नहीं रही, तो इसलिए एक दो एक कार लेकर आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे पहले बाहर का तो अपने शायद कर दिया था, इंटीरियर रह गया था। ओ नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा, ये पहले ऐसा लग रहा है, ये हाँ ये ठीक लग रहा है, सेम नहीं रखेंगे अलग अलग रखेंगे अंदर का। अब बात है बाहर की फ्लोरिंग जो कि हाँ नहीं वाइट नहीं, वाइट तो कुछ ज़्यादा लग जाएगा। हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, ये काफ़ी सही लग रहा है। और इसकी फ्लोरिंग भी कर देते हैं, इसकी भी मैं सेम ही कर दूँ क्या, नहीं ये वुडन थोड़ा लगेगा, ये थोड़ा सा वाइटिश लगेगा, हाँ ये ठीक लग रहा है तो यही कर देते हैं। और बात आती है एरिया की, तो $60,000 आई थिंक ये सही अमाउंट है, यहाँ ये सही अमाउंट है। और एरिया काफ़ी सही कर दिया अपन ने, अपग्रेड कर दिया ऑफिस को अपने को जितना अपने को चाहिए था।
और यहाँ पे देखो मैनेजर फिर से, ये कौन सी गाड़ी है वैसे? वैसे ठीक लग रही है शॉप, तो ठीक लग रही है वैसे, मैं इसे मना कर देता हूँ क्योंकि अपने को कोई कार सेल नहीं करनी है, अपन सीधा जाके सोएंगे। और अभी अपने हाउस का भी जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में तो दिन भर नहीं रह सकते। टेबल और सोफे को भी आई थिंक मुझे चेंज करना पड़ेगा। खैर अभी चलते सोने। और यहाँ पे हो चुकी है अगला दिन या अगली सुबह, या पहले अपन शॉप ओपन करता हूँ। और लो भाई कूड़ा शुरू कर दिया, मतलब फेंकना इन्होंने, इसे उठाना पड़ेगा अपने को। यार एक दो एक जगह जगह कूड़ा फेंक के चले जाते हैं, ये तो बताइए क्या ही कहूँ मैं। आई थिंक अपने को एक एक एम्प्लॉय तो रखना पड़ेगा, जैसे अपने ने जैसे हमने एक मैनेजर रख रखा है जो हमारे लिए डील लेकर आता है ठीक बढ़िया, तो वैसे ही एक आदमी जो यहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई रखे, या फिर कोई क्लीनर रोबोट टाइप, अगर ऐसा अपडेट आता है तो मैं ज़रूर रखूँगा। खैर अभी लेके चलते हैं अपनी गाड़ी को और देखते हैं, शायद कोई कार मार्केट में सही गाड़ी आई हो, या चलो उसके अगर नहीं आई होगी तो मैं चलूँगा सीधा विलेज में देखता हूँ, वहाँ पे शायद कोई गाड़ी आई हो सही। एक गाड़ी लेकिन वो भी ढंग की, एटलीस्ट सुपर कार तो हो। और वापस आ रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे मुझे एक भी ढंग की गाड़ी नहीं मिली भाई, लिटरली भाई। खैर आज के लिए बस नहीं है, कार अपनी परफेक्ट हो चुकी है, शोरूम में भी अपग्रेड कर लिया है, अब इसके लिए बस नहीं है। गेम भी पसंद आई तो लाइक मारो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो।